हेलो फ्रेंड्स, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। इसके जो रिटर्न नोट्स हैं वो भी मैंने अपने ब्लॉग पे डाल दिए हैं। और अगर ये मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, देखो यहाँ पे ये इंग्लिश सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1893 के ऊपर जो है ये बेस्ड है। और इस एक्ट जो था ये पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर 7 के अंदर इसको कवर किया गया था। और जो न्यू एक्ट जो सेल ऑफ गुड्स था ये 1 जुलाई 1930 को जो है एग्जिस्टेंस में आया। और ये जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के पूरी इंडिया के अंदर एप्लीकेबल है। और ये सेल ऑफ गुड्स जो इंडिया के अंदर होती है उसके साथ ये रिलेट करता है। और इसके अंदर जो गुड्स का अर्थ होता है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड एक्शनेबल क्लेम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सेक्शन 4 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को डिफाइन करता है। देखो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स जो है डैट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स और एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स टू बायर फॉर ए प्राइस। देखो यहाँ पे ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स का अर्थ होता है ऑनरशिप इन द गुड्स। कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल गुड्स है इसके अंदर जो सेलर है या तो वो ट्रांसफ़र कर देता है या वो एग्री टू ट्रांसफ़र करता है कि आपको जो है ऑनरशिप इसकी ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की जब डेफिनेशन को हम देखते हैं तो वहाँ से हमें दो बातें पता चलती है, एक तो है एब्सोल्यूट सेल, सेकेंड है एग्रीमेंट टू सेल जिसको हम कंडीशनल सेल कहते हैं। देखो जो एब्सोल्यूट सेल होती है उसके अंदर तो ऑनरशिप जो होती है इमीडिएटली बायर के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे हम मॉल में जाते हैं हमें कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो हम काउंटर पे रखते हैं तो हम उसकी पेमेंट कर देते हैं और वो बिल काट के चीज़ें हमें दे देते हैं। तो ये जो है एब्सोल्यूट सेल है कि इमीडिएटली जो है ऑनरशिप हमारे नाम पे ट्रांसफ़र हो जाती है। एग्रीमेंट टू सेल का अर्थ होता है कि जब फ्यूचर के अंदर जो है उसकी ऑनरशिप हमारे नाम पे ट्रांसफ़र होगी। जैसे किसान के साथ मैं एग्रीमेंट करूँ कि जब आपकी फसल आएगी तो आपने मुझे 1000 बोरी जो है राइस की प्रोवाइड करनी है। तो देखो ये कंडीशनल सेल है क्योंकि इसका फ्यूचर के अंदर जो है ऑनरशिप जो है ट्रांसफ़र होगी। जब किसान की फसल होगी तो वो आपको जो है माल प्रोवाइड करेगा। तो एग्रीमेंट टू सेल जो है डेट इज़ दी फ्यूचर के अंदर जो है आपको ऑनरशिप ट्रांसफ़र होगी। तो अब हम देखते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है इसके अंदर सेल और एब्सोल्यूट सेल है जहाँ पे जो प्रॉपर्टी होती है इमीडिएटली सेलर से बायर के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाती है। एग्रीमेंट टू सेल और कंडीशनल सेल जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र और प्रॉपर्टी इन द गुड्स जो है फ्यूचर के अंदर होगी या कुछ कंडीशंस फुलफिलमेंट के ऊपर होती हैं। और यहाँ पे देखो जो एग्रीमेंट टू सेल है यहाँ पे इमीडिएटली जो होती है ट्रांसफ़र नहीं होती, जब वो कंडीशन जो है फुलफिल होती है या तभी जब सेल कंप्लीट होती है तभी जो है उसके अंदर ऑनरशिप जो है ट्रांसफ़र होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है जैसे कि यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सेंट्रल ऑफ इंडिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर क्या था कि जो प्रॉपर्टी है मींस द जनरल प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स नॉट मेरली स्पेशल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी का अर्थ होता है कि राइट ऑफ ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। देखो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का जो सेक्शन 10 के अंदर जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे इसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। टू पार्टीज़ होनी चाहिए, एग्रीमेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप होनी चाहिए, गुड्स एंड प्राइस। इसको हम डीपली जो है स्टडी करते हैं क्योंकि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या है कि सेक्शन 10 के वो सारे एलिमेंट जो है प्रेजेंट होने चाहिए। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स सेटिस्फाई द ऑल एसेंशियल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेटिस्फाई द सेक्शन 10। देर शुड बी वैलिड ऑफर, वैलिड एक्सेप्टेंस, फ्री कंसेंट, वैलिड ऑब्जेक्टिव, लॉफुल कंसिडरेशन, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। ये सारी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। और देखो यहाँ पे टू पार्टीज होनी चाहिए, एक सेलर होना चाहिए, एक बायर होना चाहिए, क्योंकि तभी जो है सेलर जो है बायर को या बायर जो है सेलर को ऑफर या एक्सेप्टेंस देगा। क्योंकि एक पार्टी जो अपने आप को ऑफर और एक्सेप्टेंस तो दे ही नहीं सकती, तो देयर शुड बी टू पार्टीज, वन शुड बी द सेलर एंड द अदर वन शुड बी द बायर, एंड सेलर एंड बायर जो है डिफरेंट होनी चाहिए। इसी के अंदर एक केस स्टडी है ग्राफ्ट वर्सेस इवांस, यहाँ पे एक क्लब जो था फूड और ड्रिंक जो था अपने फिक्स प्राइस पे अपने मेंबर्स को सप्लाई करता था। तो यहाँ पे ये माना गया कि ये सेल नहीं है क्योंकि वो क्लब के मेंबर्स हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखो जो मेंबर्स ऑफ द क्लब्स हैं वो अनडिवाइडेड
ज्वाइंट ऑनर्स हैं, तो वो खुद को जो है खुद को जो है उनमें से कोई सेलर और कोई परचेजर नहीं है। तो इस वजह से क्योंकि वो ज्वाइंट ऑनर्स हैं तो पार्ट ऑनर्स नहीं हैं, तो जिसकी वजह से क्या है कि वहाँ पर सेल नहीं हुई। और उसी तरह देखो कुछ एक्सेप्शंस के अंदर क्या होता है कि जैसे टू पार्टी वाली कंडीशन जो होती है वेव हो जाती है, वेयर ए पर्सन गुड्स आर सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री ही मे हिमसेल्फ बाय देम। जब कोर्ट के आदेशों के साथ उनकी चीज़ें बेची जाती हैं तो अगर कोर्ट परमिट करते हैं तो वो अपनी चीज़ें खुद परचेज कर सकता है। पार्ट ऑनर जो है अपना शेयर जो है दूसरे पार्ट ऑनर को जो है सेल कर सकता है। और उसी तरह जो पॉनी है वो अपनी जो चीज़ें उसके पास प्लज की है, अगर उसका पैसा जो है पे नहीं किया गया तो नेचुरली वहाँ पे पॉनर जो है जिसने उसके पास गिरवी रखी है वो अपनी चीज़ें खुद की परचेज कर सकता है। और पार्टनर भी जो है जिस फर्म के अंदर वो पार्टनर होता है वहाँ से वो चीज़ें परचेज कर सकता है। और उसी तरह कोई ऑक्शन के अंदर सेल होती है तो सेलर जो है उस वहाँ पर अपना राइट रिजर्व कर सकता है कि वो ऑक्शन के अंदर बिड लगा सकता है और अपनी चीज़ें जो है परचेज कर सकता है। तो देखो ये तो है कि यहाँ पे टू पार्टीज एक्सेप्शन है कि जहाँ पे सेलर और परचेजर सेम पर्सन जो है हो सकते हैं, वो अपनी चीज़ें खुद परचेज कर सकता है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। फर्स्ट तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि एक जैसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, टू पार्टीज होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड जो है डेट इज़ द एग्रीमेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसके बेसिस पे हम डिटर्मिन करते हैं कि ये एब्सोल्यूट सेल है कि एग्रीमेंट टू सेल है। डेट इज़ एसेंशियल टू ट्रांसफर द जनरल प्रॉपर्टी इन द गुड्स फ्रॉम द सेलर टू बाय विद और विदाउट फिजिकल पोजेशन ऑफ द गुड्स। देखो यहाँ पे ऑनरशिप ट्रांसफर होती है, ये पोजेशन के साथ भी हो सकती है। पोजेशन का अर्थ होता है कि जैसे मैंने अपनी कार सेल की है तो अगर कार जो है मैंने उसकी सारे डॉक्यूमेंट जो है बाय के नाम पर बनाने हैं और साथ के साथ कार को उसका पोजीशन भी दे दिया है, तो ये विद पोजीशन भी हो सकती है और विदाउट पोजीशन भी हो सकती है कि कार अभी मेरे पास है लेकिन मैंने अपने बायर को जो है ऑनरशिप राइट जो है उसके ट्रांसफ़र कर दिए हैं। देयर शुड बी इमीडिएट ट्रांसफ़र भी हो सकती है और एन एग्रीमेंट टू ट्रांसफ़र भी हो सकता है जो फ्यूचर के अंदर होना है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट मैटर है वो गुड्स होती हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पे इमूवेबल है बट इट इज़ दी मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टीज का अर्थ होता है कि जिसको हम कहीं पे भी जो है ले जा सकते हैं। इमूवेबल जो होती है एक ही जगह पे जो फिक्स होती हैं। तो यहाँ पे गुड्स का जो अर्थ है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम होता है कि जैसे हमने किसी को उधार दिया हुआ है तो नेचुरली वो जो होते हैं मनी के अंदर गुड्स के अंदर जो है कवर्ड नहीं होते क्योंकि उनके अंदर अगर वो नहीं पे करता तो हम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। तो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी होती है जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं और इसके अंदर एक्शनेबल क्लेम एंड मनी नहीं आती क्योंकि मनी के साथ तो हम चीज़ें और परचेज करते हैं तो वो गुड्स के अंदर कवर नहीं होती। तो जो गुड्स हैं उसके अंदर देखो स्टॉक्स एंड शेयर भी आ जाती हैं, जो फसलें उगाई जाती हैं वो भी आ जाती है, जो ग्रास है ट्रीज और थिंग्स भी आ जाती हैं जो कि जमीन के साथ अटैच होती हैं और जिनको हम कट करके जो है सेल कर सकते हैं। तो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स मनी एंड इंक्लूड स्टॉक्स एंड शेयर्स ग्रोइंग क्रॉप्स ग्रास ट्रीज एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्री टू बी सर्व्ड इट स्वेयर्ड इट बिफोर सेल और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द गुड्स। देखो जो डेफिनेशन ऑफ द गुड्स है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या क्या चीज़ें वो एक्सक्लूड करती है। तो मनी को एक्सक्लूड किया गया है क्योंकि मनी जो है उसी के बेसिस डैट इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज एज द प्राइस ऑफ द गुड हैज़ टू बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। मनी जो है नेचुरली इसको हम गुड्स के अंदर नहीं ले सकते। और उस तरह एक्शनेबल क्लेम जैसे मैंने आपको बताया है कि जो हम एक दूसरे को पैसा उधार देते हैं तो उसके अंदर लीगल एक्शन लिया जा सकता है, वो भी गुड्स के अंदर कवर नहीं होती। और उसी तरह देखो जो गुड्स हैं वो मूवेबल गुड्स को कवर करती हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी को नहीं जो कि फिक्स होती है जिसको हम एक ट्रांसफर नहीं कर सकते जैसे लैंड है। तो ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर जो है कवर्ड नहीं होती, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर जो है कवर्ड होती है। और उसी तरह देखो जो गुड्स हैं यहाँ पे कुशीर वर्सेस टिम्बर ऑपरेशन एंड कॉन्ट्रैक्टर लिमिटेड का केस है जहाँ पे ट्री जो थे वो सेल किए गए थे क्योंकि इनको कट किया गया था, लैंड से सेपरेट किया गया था और बार अपने पास ले गया था। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट से जहाँ पे ट्री जो सेल किए गए थे वो मूवेबल गुड्स हैं क्योंकि इनको हम कट करके जो है सेल कर सकते हैं।
और उसी तरह हम देखते हैं कि जो प्राइस है डैट इज़ द कंसिडरेशन मस्ट बी पेड इन मनी और प्रोमिस्ड व्हेन नो मनी इज़ इन्वॉल्व देर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो यहाँ पे देखो जब पैसा नहीं इन्वॉल्व होता तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं कहते। यहाँ पे गुड्स को जब हम गुड्स के साथ एक्सचेंज करते हैं तो ये सेल नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये बार्टर सिस्टम को कवर नहीं करता। बट उसके अंदर क्या है कि पार्टली जो है कैश के अंदर है पार्टली गुड्स के अंदर है तो उस चीज़ के अंदर जो है हम उसको सेल मानते हैं। जैसे ए एग्री टू एक्सचेंज विद बी 100 क्वार्टर ऑफ बार्ले एट 2 पाउंड पर क्वार्टर फॉर 52 बल्क्स वैल्यूड एट 6 पाउंड एंड पे द डिफरेंस इन कैश। तो देखो यहाँ पे पार्टली जो है उसने पार्टली पेमेंट जो है काइंड में की है और पार्टली जो है कैश के अंदर की है। तो इसको जो है हम जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर जो है इसके अंदर हम इसको क्योंकि ये वैलिड प्राइस है तो क्योंकि यहाँ पे क्योंकि पूरी की पूरी जो है काइंड में नहीं होनी चाहिए। कंसिडरेशन मस्ट बी पेड इन मनी और प्रॉमिस्ड व्हेन नो मनी इज इन्वॉल्व देर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बट व्हेन गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स देन इट इज़ नॉट सेल। बट अगर कंसिडरेशन जो है पार्टली कैश में है तो पार्टली गुड्स के हैं तो उस सिचुएशन के अंदर जो होता है हम इसको जो है मानते हैं कि ये गुड्स की जो है सेल हुई है।